हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले स्मॉल कैप तथा हाई रिस्क की स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को पूरा देखें ताकि इस स्टॉक की कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके तो ज़्यादा समय वीडियो शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉव इनवेस्ट में आपका दिल से स्वागत है एक्चुअली दोस्तों हर वीडियो में मैं ये डिस्कस करता हूँ स्मॉल कैप एंड हाई रिस्क तो उस हिसाब से आप इसमें एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कितनी कंपनियाँ स्मॉल कैप की हैं हाई रिस्क में जा सकती है स्मॉल कैप में भी मॉडरेट रिस्क वाली कंपनियाँ हैं लो रिस्क वाली भी कंपनियाँ हैं तो वो एक अपना एक्सेल में चार्ट मेंटेन कर सकते हैं और उस हिसाब से विचार भी, भी बना सकते हैं यहां देख सकते हैं ये स्टॉक है सारिका इंटरप्राइजेस लिमिटेड और करेंट देख सकते हैं इक्कीस रुपए पचासी पैसे पे चल रही है पिछले पांच दिनों में इसने अपर सर्किट अपर सर्किट इस तरह से अपर सर्किट जनरेट किया है और आठ का रिटर्न जनरेट किया है वहीं पिछले एक मंथ में भी देख सकते हैं कंपनी ने लोअर सर्किट फिर अपर सर्किट जनरेट किया और उनतीस का रिटर्न जनरेट किया है एक्चुअली कंपनी ई लिस्ट में शामिल हुई है तो उसमें एक परसेंटेज सेट किया है गिरावट कितनी आ सकती है तो उसको भी आप रिफर कर सकते हैं और उससे बाहर निकलती है तो ही एक स्टेबल आएगी पिछले छह मंथ में भी देख सकते हैं दो परसेंट का रिटर्न जनरेट किया है कंपनी ने और वही साल की शुरुआत से भी देख सकते हैं तीन परसेंट का रिटर्न जनरेट किया है पिछले एक सालों में पिछले एक सालों में 417 परसेंट का रिटर्न यानी कि पिछले एक साल में ही चार गुना कर चुकी है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट दे को तो यहाँ तक तो चार्ट बहुत बेहतर इसका आप देख रहे हैं चार गुना तीन गुना इस तरह से कंपनी ने किया है बट जब हम मैक्सिमम चार्ट में जाते हैं यहाँ पे या पिछले पाँच साल के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इस हाई पे दोबारा इसको काटने का प्रयास कर रही है कंपनी और यहाँ पिछले पाँच साल में ये भी देख सकते हैं ये जो गिरावट में खरीदारी किया और यहाँ से यहाँ तक में ग्यारह गुना यानी दस गुना या ग्यारह गुना आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपनी ने किया है बट ये है कि इस हाई पर जाना और इस हाई से डाउन देख सकते हैं कंपनी ने कितना तिरासी इस तरह से देख सकते हैं बयासी इक्यासी इस तरह से कंटिन्यू कंपनी ने गिरावट दर्ज किया है और टाइम

और यहाँ मैक्सिमम चार्ट में भी देख सकते हैं कंपनी 2017 में लिस्ट हुई है यहाँ के हिसाब से और ये रेट सेटल हो गया है बोनस है स्प्लिट के बाद से इस वजह से इतना कम दिखा रहा है और यहाँ इनिशियल में लिस्टिंग के बाद से भी देख सकते हैं लगभग लगभग अठहत्तर परसेंट की गिरावट कंपनी ने दर्ज किया है अब फिर जाकर के यहाँ से एक अलग मूवमेंट आया है तो चार्ट पैटर्न उतना बेहतर नहीं है एक्चुअली यहाँ से दोस्तों कंपनी अगर इस तरह से मूवमेंट होता है तो थोड़ा सा उसमें भरोसा जगता है कि ये गिरावट अप डाउन लेकर के अंततः कंपनी ऊपर ही जा रही होती है यहाँ जो हाई लगा लिया कंपनी ने फिर उसके बाद से गिरावट देख सकते हैं और फिर उसके बाद से जंप आया हुआ है बट ये है कि रिस्की कंपनी है आपको अगर अच्छा कंपनी बेहतर हम आगे स्टडी करते हैं अगर चीज़ें वाकई में समझ में आती हैं तो देन आप उस तरह से रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से ही कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं उसमें और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लर्निंग के पर्पज से इसमें आप इन्वेस्ट करके विचार बना सकते हैं तो यहां अबाउट सेक्शन में देखते हैं इनकार्पोरेट हुई थी उन्नीस में और सारिका इंटरप्राइज़ लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ किसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन सर्विस इन में पावर सेक्टर में मार्केट के भी देख सकते हैं एक करोड़ का है तो बहुत ही रिस्क है दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी है और रिवार्ड भी है यहाँ हजार करोड़ दस हजार करोड़ इस तरह से कंपनी अगर ग्रो करती है तो वहाँ पे बहुत ह्यूज पैसा बनने का चांस है बट ये है कि रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि मात्र एक करोड़ की कंपनी थोड़ा भी बड़ी सिचुएशन आती है तो उस तरह से मार्केट ये पूरी तरह से पैसा भी डूब सकता है तो इस चीज को आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे करेंट प्राइस देख सकते हैं इकतीस रुपये आठ पैसे और हाई इसने लगाया है इकतीस रुपये आठ पैसे का ही और यहाँ पे देख सकते हैं लो पाँच रुपये सैंतालीस पैसा है तो बिल्कुल हाई पे ही कंपनी ट्रेड कर रही है यहाँ पे आ, लो के आसपास आती है तो ही आप उसमें विचार बना सकते हैं पी देख सकते हैं यहाँ पे नब्बे दशमलव एक है और वो कोयल यहाँ पे देख सकते हैं पांच रुपये बयासी पैसे है डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है यहाँ पे और वहीं आर देख सकते हैं फाइव पॉइंट नाइन जीरो परसेंट है और वहीं आर देख सकते हैं छः दशमलव दो छः परसेंट है तो दोनों ट्वेंटी प्लस से काफी नीचे है बट ये है कि इसमें खरीदारी बहुत हैवी हो रही है ये उस चीज पर आप ध्यान रख सकते हैं फेसवेल यहाँ पाँच का है तो फर्दर एक स्प्लिट का फायदा आपको और मिल सकता है यहाँ पिछले एक साल के पचास दिन के डीएमए दो सौ दिन के डीएमए को देख सकते हैं कंपनी ने दो सौ दिन के डीएमए यहाँ पूरा ट्रेड किया है और यहाँ यहा पे जाकर के गोल्डन क्रासओवर कंपनी ने बनाया है और यहाँ से मूवमेंट देख सकते हैं बेहतर आया हुआ है और वहाँ के बाद से कंपनी ने दो सौ दिन के ही डीएमए को यहाँ पे सपोर्ट लिया है उसके बाद से कंपनी में रैली आना शुरू हुआ है तो यहाँ अभी पचास दिन के डीएमए के हिसाब से इक्कीस और दो सौ दिन के डीएमए के हिसाब से तेरह आ सकती है एट प्रेजेंट जो स्थिति है उसके हिसाब से तीन के बीच में आती है तो आप विचार बना सकते हैं बट यह है कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही इसमें विचार बनाएँ तो ये वीडियो मात्र लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है इसे किसी भी तरह से खरीदारी और तो रिकमेंडेशन ना समझे ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इस स्टॉक को खरीदारी के लिए बट यह है कि आपको लर्निंग के लिए सीखने के लिए कि इस तरह के स्टॉक में क्या क्या सिचुएशन बनती है आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं तो फर्दर डिटेल चेक करते हैं यहाँ पर यह कंपनी का प्रोज़ देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर और डेप्टर डेज को कंपनी ने इम्प्रूव किया कम किया है जहाँ क्रेडिट में ली हुई उधारी को जो कुछ कंपनी रिसीव कर पा रही थी वो एक सौ सतहत्तर दिन थे जिसको नाइन्टी नाइन डेज पे कंपनी ले आई है वहीं कौन में देख सकते हैं पाँचविना अपने बुक मेलू से महंगे पे ट्रेड कर रही है कंपनी और यहाँ लो रिटर्न कवरेज रिसीव कर रही है कंपनी यहाँ देख सकते हैं लो रिटर्न इक्विटी जनरेट कर रही है पिछले तीन सालों से माइनस में दो परसेंट के करीब बहुत तो यहाँ बैड साइन है और अर्निंग इंक्लूड देख सकते हैं अदर इनकम कंपनी यहाँ पे शो कर रही है वन करोड़ के करीब तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देख सकते हैं कंपनी ने 2021 में उनचास करोड़ का किया और देख सकते हैं यहां पे डाउन किया 2022 तो में नहीं सेल्स हुआ है बेहतर फर्दर यहां पे देख सकते हैं 50 करोड़ का सेल्स किया कंपनी ने फिर जाकर के 78 करोड़ का तो बहुत छोटी कंपनी है तो अभी अपना एग्जिस्टेंस धीरे धीरे बना रही है उसी हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी कर रही है तो यहां देख सकते हैं पचास का यहाँ पे सेल्स किया और एक्सपेंस कितना किया क्या उनका तो निगेटिव में तो यहाँ पे जनरेट होगा ही होगा है ना तो उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं और वही नेट प्रॉफिट का डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं 2020 में कंपनी ने माइनस में जनरेट किया है नेट प्रॉफिट फिर माइनस फिर माइनस यहाँ पे आकर के कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है और वहीं यहाँ बैलेंस शीट में रिजर्व और बोरिंग देख सकते हैं कंपनी के पास चौदह करोड़ का रिजर्व था 2021 में और यहाँ पे कंपनी ने तीन करोड़ का रिजर्व अपने पास होल्ड किया है तो ये तो बहुत ही बैड साइन है और मात्र देख सकते हैं यहाँ पर बोरिंग की तुलना में तो बोरिंग 12 14 14 और इस तरह से सत्रह यहाँ पर यूज बढ़ाया कंपनी ने और यहाँ पर उल्टा हो गया है मतलब कि यहाँ पर रिजर्व होना चाहिए उल्टा और बोरिंग तीन होना चाहिए तो ये चीज़ें हो गई हैं बट सिर्फ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस कंपनी को आपके सामने लाने का इसमें क्लाइंट बेस बहुत ही मजबूत है उसको भी हम आगे डिटेल चेक करेंगे तो वहीं यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं 2018 में दिखा रहा है पचपन परसेंट का स्टेक था प्रमोटरों के पास और पब्लिक के पास चौवालीस परसेंट स्टेक था और एट प्रेजेंट स्थिति क्या बन रही है वो भी आप देख सकते हैं प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को एज आग, इट इज मेंटेन किया है और पब्लिक ने भी ने अपने होल्डिंग को एज इट इज मेंटेन किया है तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग से तो 55 परसेंट इतनी छोटी कंपनी में होना अच्छी बात है बट यहाँ पे एफ और डी का नजर में नहीं कंपनी आ रही है वो उनकी स्टडी होने से और भरोसा बढ़ता है इसमें यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं और ये सारा डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट डन कंपनी ने पचास प्रोजेक्ट डन किया है और यहाँ पे देख सकते हैं बारह के करीब ब्रांचेज हैं एक सौ कंपनी के पास है एट प्रेजेंट और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से साइट सर्वे कंपनी करती है फर्दर यहाँ पे डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का काम करती है प्रोक्योरमेंट वगैरह है ये सारा डिटेल वेबसाइट पे, पे अवेलेबल है और इसका क्लाइंट डिटेल यहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं जो सपोर्ट लिंक है उसमें यहाँ पे क्लाइंट डिटेल में गवर्नमेंट के पावर यूटिलिटी में देख सकते हैं इस तरह से सन फॉर एवर के लिए ये क्लाइंट है और यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड इसका क्लाइंट है फर्दर इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पे जे का है एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वो इसका क्लाइंट है फर्दर एन एच एन एच पी सी देख सकते हैं यहाँ पे वहीं एन टी पी सी देख सकते हैं ये भी पावर के सेगमेंट में बेहतर काम करती है पावर गिड अलग से गवर्नमेंट एजेंसी इसके साथ जुड़ी हुई है आर ए सी बी है और यहाँ देख सकते हैं टी एच डी सी इंडिया लिमिटेड करके ये भी एक एजेंसी है प्राइवेट एंड पब्लिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में देख सकते हैं यहाँ पी एस है और फर्दर यहाँ देख सकते हैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का है फर्दर एन देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पे टाटा पावर का है पब्लिक एंड प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स में देख सकते हैं एबीबी करके है फर्दर यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे वेल भी है और इरकॉन इंटरनेशनल का देख सकते हैं यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल भी जुड़ा हुआ है क्लाइंट में लार्सन एंड टूब्रो देख सकते हैं साइसमैन है इस तरह से वर्ल्ड है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये भी इसका क्लाइंट है अब फर्दर यहाँ देख सकते हैं भारतीय रेलवे ये भी इसका क्लाइंट है तो इतने सारे मजबूत क्लाइंट है इसके पास तो इन फ्यूचर हो सकता है इसके पास बेहतर ऑर्डर बुक वगैरह मिले अच्छे डिमांड मिले तो ये कंपनी बिल्कुल ग्रो करके जाएगी तो यहाँ बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों देख सकते हैं मार्केटिंग कंसल्टेट फॉर फॉर प्रिंसिपल इन लार्ज पावर प्रोजेक्ट और इस तरह से टेक्निकल कंपनी केबल सल्यूशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और यहाँ पर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है और यहाँ देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट कार्ड ग्रिड टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर तो उसको भी कंपनी यूज कर रही है अब फर्दर इस तरह से मार्केटिंग कंसल्टेंटिंग सारे पे कंपनी के प्रोडक्ट भी देख सकते हैं कास्ट रिजाइन ड्राई ट्रांसफार्मर करके कंपनी बना रही है अब फर्दर ये अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं इनको भी समझ सकते हैं अब ऑटोमेटिक सर्किट क्लोजर करके है और फर्दर ये देखते हैं ये भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है फर्दर ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है स्मार्ट फार्ट आइसोलेशन डिवाइस इस तरह से अलग अलग कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट भी अपना बना रही है यहाँ डिलीवरी पोजीशन भी देख सकते हैं 24 जुलाई को 100 परसेंट इस तरह से 23 जुलाई को 100 परसेंट ये सारी 100 परसेंट डिलीवरी चल रही है आप देख सकते हैं कंटिन्यू और बीच में ही कभी कभार गैप आया है जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 जून को यहाँ पे तिहत्तर परसेंट डिलीवरी उठाई गई है और फर्दर यहाँ दस जून को निन्यानवे डिलीवरी है इस तरह से बाकी हंड्रेड खरीदारी चल रही है यानी फाइनेंशियल इंडिकेटर में भी देख सकते हैं जो इंडस्ट्री का पी है वो अभी छियालीस पे चल रहा है जबकि स्टॉक का पी देख सकते हैं नवासी पे चल रहा है तो इंडस्ट्री के पी से महंगे पे ट्रेड कर रही है कंपनी और वहीं यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग प्लीज नहीं है तो ये भी एक बेहतर साइन है छोटी कंपनी हो होने के बाद भी वहीं एक्शन में देख सकते हैं बोनस कंपनी ने 2021 में प्रोवाइड किया है एक के बदले एक शेयर प्रोवाइड किया है और वहीं फर्दर आप स्प्लिट का भी देख सकते हैं कंपनी फेस वैल्यू को 10 के बजाय 5 में कन्वर्ट किया तो वहां पे भी उसी हिसाब से रेट एंड उसी हिसाब से शेयर की क्वांटिटी भी सेटल हो गया होगा वहीं यहाँ रिस्क मीटर में देख सकते हैं कंपनी को भी हाई रिस्क में दिखा रहा है पचास के करीब है तो ऐसे और भी अवेलेबल कंटेंट देखने के लिए को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और पसंद आने से लाइक कर मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं और वहीं यहाँ टेक्निकल ट्रेंड में देखते हैं लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में कंपनी को बोलिस दिखा रहा है जबकि वहीं शार्ट टर्म में देखते हैं शार्ट टर्म में भी कंपनी को बोलिस दिखा रहा है तो इन दोनों पैरामीटर को भी ध्यान में रखें आप तो इतने पैरामीटरों को कम से कम चेक करके उसके बाद आप ख़रीदारी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टॉक को ख़रीद लिया आज खरीदे और कल गिरावट आ गई तो आप, आप समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करें होल्ड करना है कि सेल करना है तो ऐसी इसका मतलब ये है कि आपने किसी से सुना और मोटिवेट होकर के जाकर ख़रीद लिया आपने स्टडी नहीं किया अगर आपने स्टडी किए होते तो आप ड्यूरेशन रखते कि, कि कितने समय तक आपको होल्ड करना है और कि गिरावट से आप घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पर आप पेशेंस के साथ होल्ड करिए या फिर आप लो वैल्युएसन पर ही एंट्री करिए यहाँ पर बी पैटर्न दिखा रहा होगा और उस समय आप इंटर करेंगे तो बिल्कुल गिरावट आएगी है ना तो वहां पे आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा और ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती है कि स्टॉक में कितना अपर लगेगा कितना बेहतर ग्रो करेगी स्टॉक है ना अगर सबको पता होता तो फिर क्या ही पूछना है तो ये तो ऐसा है दोस्तों कि आपको टाइमली टाइमली क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट इन सब चीज़ों को देखना कि कंपनी में वाकई में ग्रो ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है कहाँ पे इसके पैसे जा रहे हैं हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि उसके जो ब्याज जो उन्होंने कर्ज लिया है लोन लिया है उधार लिया है उनको चुकता करने में जा रहे हैं है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी के ग्रो में वो पैसे हमारे लगने चाहिए एज ए इन्वेस्टर तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है टाइमली टाइमली टू वाच करना होता है ऐसा नहीं कि आप एक बार खरीद के बैठ गए और कंपनी आज बेहतर कर रही है तो कल भी बेहतर करेगी ये कोई जरूरी नहीं है तो आपके ऊपर स्टडी के ऊपर ध्यान रखना होता है आपको स्टडी करना होता है और बराबर उनको वॉच करते रहना होता है सो तो इस वीडियो को बिल्कुल रिकमेंडेशन ना समझे किसी भी स्टॉक का खरीदने बेचने और होल्ड करने का और आप अपना लर्निंग इस्तेमाल करें और अच्छे से स्टडी करें बिजनेस को समझने का प्रयास करें न कि स्टॉक के ऊपर जाने और नीचे जाने से है ना तो उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक की इन्वेस्ट की जानकारी के साथ सो थैंक यू दोस्तों